जिला कांगड़ा के फतेहपुर में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। चोर पुलिस के नाक तले चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस से शीघ्र ही चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है, ताकि चोरी की इन घटनाओं पर अंकुश लग सके। फतेहपुर में चोरों ने दो अलग अलग जगहों पर दो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बता दें कि पुलिस थाना नूरपुर के तहत पड़ती रहन पुलिस चौकी के अंतर्गत ये चोरी की दूसरी घटना है। इससे पहले पंचायत पदेहड़ के वार्ड नंबर 1 में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अब जोगिंदर शर्मा भराल के घर से व उनके किराएदार के कमरे से चोर लाखों के गहने व नकदी ले उड़े हैं। चोरों ने घर से गैस सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, गैस चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर, दो नए डबल बेड के कंबल, एक नई रजाई, कोट पैंट व कुछ कपड़े चुराए हैं। चोरों ने घर के पीछे लगे लोहे के दरवाजे के ताले तोड़कर घर में प्रवेश किया और घटना को अंजाम दिया। सुबह लगभग 8:30 बजे। अच्छा, तो क्या मतलब किसी पे आपको शक है और आपका क्या क्या चोरी हुआ है? सर, शक तो किसी का ऐसे बता नहीं सकते, और लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी थी, और इसके अलावा मेरी वाइफ के तो ज्वेलरी थी, लगभग 10 तोले की होगी, जिसमें से एक मंगलसूत्र है, एक जोड़ी कंगन है लेडीज, और एक जेंट्स चेन है मेरी, और एक इसमें अंगूठी मेरी है, और 5 अंगूठियाँ जेंट्स अपने लेडीज हैं, और मेरी एक बेटी के झुमके हैं कानों में डालने वाले, और एक दुश्मन और है, वो मेरी वाइफ ही बता सकते हैं कि वो इस सदमे के बाद इसके बाद मेरी वाइफ सदमे चली गई है और वो बातबूत नहीं कर रही अभी तक। तो आपको कब पता चला कि ये यहाँ पे चोरी हो गई आपके घर में? हम कल शाम को अपने ससुराल गया था, सुबह आके मैंने देखा तो यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा था, ये बाकी तो आपके सामने है सभी। तो आपने उसके बाद किसको सूचित किया? तो इसके बारे में सबसे पहले मैंने पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन लिखवाई, उसके बाद मैंने रहन के प्रधान जी को फोन किया, और उसके बाद बाकी फिर सभी आसपास। तो क्या बोल के गए हैं पुलिस वाले आपको? पुलिस वाले तो बोल रहे हैं हम कुछ कार्रवाई करते हैं। मैं तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो इसी में थी, तो कृपा करके मेरी थोड़ी हेल्प की जाए और मुझे चोरों का पता लगा के मेरा सामान मुझे वापस दिलवाए। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा ने चोरी की घटनाओं की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।